हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वेडिंग प्लानर एज ए करियर ऑप्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपने बैंड बाजा बारात मूवी अगर देखी होगी तो उसमें अनुष्का शर्मा एंड रणवीर सिंह वेडिंग प्लानर्स होते हैं, जो छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं एंड लेटर बड़े सेलिब्रिटीज लेवल के वेडिंग्स मैनेज करते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन है जिसमें पोटेंशियल बहुत है इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में शादी एक फेस्टिवल से कम नहीं है। बट ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में इसके बारे में बताया नहीं जाता। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि एंड में मैं आपको इस वेडिंग मार्केट का पूरा आउटलुक बताऊंगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अविराज चैटर्जी एंड ये है मेरा चैनल करियर क्लिनिक। इस चैनल का यही पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर। तो करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो बेसिकली एक वेडिंग प्लानर वो होता है जो वेडिंग को प्लान एंड एग्जीक्यूट करवाता है। तो ये वेडिंग प्लानर का काम है कि कपल को एट द टाइम ऑफ वेडिंग क्या पहनना चाहिए, इसके अलावा वेन्यू सिलेक्शन, फूड ऑर्गेनाइजेशन, डेकोरेशन, थीम्स, देन फोटोग्राफर हायरिंग, इन्विटेशन कार्ड्स जैसे एक्टिविटीज रहते हैं। तो गेस्ट को कंफर्टेबल फील करवाना एंड इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे काम वेडिंग प्लानर्स को करने पड़ते हैं। Hence, as a wedding planner, you have to be very much creative, spontaneous, good with management skills, time management, communication skills, and should have a lots of patience. So, India ke top most wedding planners ke agar main baat karu, so we have Limor Weddings, Magic Lights Wedding Planners, then we have Elite Weddings India, then iske alawa individual planners bhi hai like Divya Vithika. तो अगर मैं एक वेडिंग प्लानर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं, तो एज अ वेडिंग प्लानर आपको अपनी क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा कि उसे किस तरीके की शादी चाहिए एंड आपको उसकी कल्चरल अवेयरनेस भी होना चाहिए। एज अ वेडिंग प्लानर्स आप एक इवेंट प्लानर की तरह होते हो, वो क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं टू डिसाइड अ प्लान ऑफ एक्शन एंड ये लोग रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्वायरिंग द नेसेसरी वेंडर्स सच एज केटरर्स, फ्लोरिस्ट वगैरह। एज अ वेडिंग प्लानर आप पूरा बजट मैनेज करते हो एंड स्केड्यूल के हिसाब से काम करते हो। वेडिंग प्लानर स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ देयर टाइम कंसल्टिंग विद द क्लाइंट्स एंड मीटिंग विद वेंडर्स। वेन्यू फाइनलाइजिंग से लेकर हायरिंग अ डीजे, प्लानिंग अ वेडिंग रिक्वायर्स मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स, डिपॉजिट्स एंड पेमेंट्स। ये सब एक वेडिंग प्लानर हैंडल करता है। तो अगर मैं एजुकेशन रूट्स की बात करूं, तो द क्वेश्चन इज वेडिंग प्लानर बनने के लिए कोई एजुकेशन रूट होता भी है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, होता है। आप 12th पास करने के बाद BBA इन हॉस्पिटैलिटी या इवेंट मैनेजमेंट करके MBA इन इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, या फिर आपने डिप्लोमा किया है इन इवेंट मैनेजमेंट एंड इसके बाद आपने PG डिप्लोमा कर दिया इवेंट मैनेजमेंट में ही, या फिर आप डायरेक्टली सर्टिफिकेशन इन वेडिंग प्लानर भी कर सकते हो। तो अगर मैं स्किल्स की बात करूं जो एक वेडिंग प्लानर में होनी चाहिए, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास हर चीज का जुगाड़ है, जिसके पास हर टाइप के कॉन्टैक्ट्स हैं, नेटवर्क्स हैं, तो ये करियर आपको बिल्कुल सूट करेगा। तो बेसिकली आपके पास ऐसे स्किल्स लाइक इवेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, वर्बल कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे स्किल्स होने चाहिए। तो अगर मैं सैलरी आउटलुक की बात करूं, तो एज अ फ्रेशर अगर आप किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो स्टार्टिंग सैलरी 3-4 लाख पर एनम की होती है, पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा एंड ग्रेजुअली आपकी सैलरी काफी बढ़िया हो जाएगी इफ यू आर एसोसिएटेड विद अ वेल नोन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। इसके अलावा आप अपना खुद का भी कंसल्टिंग कंपनी या वेडिंग प्लानिंग सेटअप कर सकते हो एंड अगर आप इसमें अच्छे हो तो ऊपर की कोई लिमिट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एज यू नो, मुकेश अंबानी ने अपनी डॉटर की वेडिंग में क्लोज टू 750 करोड़ स्पेंड किए थे। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर टैलेंट एंड स्किल्स। के अलावा विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा की वेडिंग एक्सपेंस वाज क्लोज टू 100 करोड़। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ फ्यू अदर एक्सपेंसिव वेडिंग्स जस्ट टू शो कि कितना ज्यादा स्कोप है एक अच्छे वेडिंग प्लानिंग में। तो अगर मैं मार्केट आउटलुक की बात करूं, तो इंडिया में हर साल ऑलमोस्ट 6 करोड़ लोग शादी करते हैं। इसमें से अगर 25% शादियां भी ऑर्गेनाइज वे में हो जाए, तो इट इज क्लोज टू 1.3 करोड़ शादी पर ईयर। एंड एक एवरेज वेडिंग 2-3 दिन चलता है विद मल्टीपल इवेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट। तो ऑन एन एवरेज एक शादी में 2.5-3 लाख का खर्चा तो हो ही जाता है।
पहले एक टाइम था जब कहीं भी शादी होती थी तो पूरे फैमिली वाले आपको हर एस्पेक्ट में सपोर्ट करते थे। However, with changing times, the emergence of nuclear families, migration to urban cities, and career-oriented millennials, the wedding industry has a new untapped consumer base to cater, which is the modern Indian couples. So, as per report published by KPMG, India ka current wedding market $50 billion ka hai. जिसमें फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आगे जाके ये और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, मेकिंग इट वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू द ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेडिंग प्लानर। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो काइंडली लाइक दिस वीडियो, आपकी लाइक से इस वीडियो को और ज्यादा पुश मिलेगा। तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, क्या इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में ऐसे अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? प्लीज कमेंट बिलो ताकि मैं देख सकूं कि आपका जवाब क्या है। हमारे चैनल का यही पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर, एंड अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए करियर रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।